आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 670वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के सबसे लंबे और सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 जो पहले NH7 होता था, आप 44 से यहाँ से हैदराबाद की दूरी 602 किलोमीटर, नागपुर की दूरी 93 किलोमीटर। हम फिलहाल खड़े हुए हैं सिवनी जिले के कुरई। अगर आप इस तरफ से इसको दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा आगरा 741 किलोमीटर, नरसिंहपुर 156 किलोमीटर। ये दिखाने का, ये बताने का इकलौता कारण ये है कि फिलहाल हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, हम आपको इस तरफ लेकर आते हैं किस तरह से NHAI काम कर रहा है, किस तरह से नितिन गडकरी के नेतृत्व में तीसरी पारी दरअसल काम कर रही है, केंद्र सरकार किस तरह काम कर रही है हम आपको बताना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना लंबा पैच यहाँ से वहाँ तक दिख रहा होगा और इस पैच के ऊपर आपको पॉलिथीन ढकी दिखाई दे रही होगी। हम आपको थोड़ा सा और आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे, इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो 2 से 2.5 फीट तक सड़क पूरी बैठी हुई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी सड़क बैठी आपको नजर आ रही होगी। आगे भी और अगर हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ से आप पूरा देखते चलिए किस तरह यहाँ पर सड़क पूरी बैठ चुकी है। ये सिवनी जिले से होकर गुजरता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 और यहाँ सड़क पूरी बैठी हुई नजर आपको आ रही होगी। यहाँ से अगर इस तरफ आप दिखाएंगे यहाँ वाला, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गड्ढा कितना ज्यादा है। यहाँ अगर आप इस तरफ देखेंगे यहाँ पर भी पानी भरा हुआ गड्ढा है, पॉलिथीन तिरपाल से इसको ढक दिया गया है। सीमेंट के ऊपर किस तरह सीमेंट यहाँ पर लगाई गई है, किस तरह सड़क बनाई गई है, सीसी रोड किस तरह से बनी हुई है, ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सिवनी की तरफ जाने वाला रास्ता, जहां हम इस तरफ अगर जाएंगे, आप हमारे इस तरफ जाएंगे तो सिवनी की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। गाड़ियां चली आ रही हैं, एक भी NHAI का नुमाइंदा यहां नहीं है, एक भी नुमाइंदा NHAI का आपको यहां नहीं दिख रहा होगा। आज हम यहां पर खड़े हुए हैं 14 सितंबर 2024 को हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी की गाड़ी भी यहाँ जा रही है, आलोक दुबे यहाँ जा रहे हैं, वे भी इसे देख रहे होंगे कि यहाँ क्या स्थिति किस तरह की है। और ये हमारे पीछे देखिए कितना लंबा हिस्सा है यहाँ का, जो पूरा यहाँ पर बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा, सड़क बैठ गई है। ये इसके पहले हम आपके इसके पार्श्व की कहानी बताएं, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पैंच नेशनल पार्क के जंगल, पैंच नेशनल पार्क यहाँ पर, और इस तरफ घने जंगल अगर आप देखेंगे तो बहुत घने जंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे पैंच नेशनल पार्क का। इस तरफ खाई है, कुरई घाट कहलाता है, ये एक खाई है। 2003 में आखिरी बार इसका डामरीकरण कराया गया था और 2003 के बाद ये बहुत सारे विवादों में उलझ कर रह गई थी। दरअसल पैंच कान्हा कॉरिडोर, एक काल्पनिक कॉरिडोर जिसे कहा जाता था, उस पर ये सड़क स्थित थी। 4 लेन जो बननी थी, 4 लेन सिवनी से मोहगांव तक तो बन गई, मोहगांव से लेकर खवासा, कुरई होते हुए खवासा, ये हिस्सा इसका नहीं बन पाया क्योंकि ये पैंच नेशनल पार्क के बफर क्षेत्र में ये आता था और वन विभाग की अनुमति इसके लिए नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए लगातार प्रयास होते रहे, सभी के द्वारा प्रयास किए गए और उन प्रयासों का फल ये हुआ कि कुछ शर्तों के तहत अनुमति इस सड़क के निर्माण की दी गई, एलिवेटेड हाईवे बनाने की अनुमति दी गई। ये एलिवेटेड हाईवे यहाँ
लगभग 15 से 30 फिट के बीच में, कहीं 30 फिट कहीं 15 फिट ऐसा उठाया गया। ये जो आप हरे रंग का यहाँ पर पर्दा देख रहे हैं, दरअसल ये पर्दा साउंड प्रूफ है, साउंड एंड लाइट प्रूफ। माफ कीजिएगा, इस सड़क को जब बनाया गया तो साउंड एंड लाइट आवाज और रात की रोशनी वन्य जीवों को परेशान ना करे, इसके लिए इसे लगाया गया है। इस सड़क के निर्माण में, लगभग 22 किलोमीटर की सड़क के निर्माण में 960 करोड़ इसमें खर्च किए गए। इसका उद्घाटन, इसका लोकार्पण कोविड काल में अक्टूबर 2021 में इसका लोकार्पण किया गया था। सिवनी जिले का हिस्सा है, पर सिवनी जिले के मीडिया को उसकी जानकारी नहीं दी गई थी। तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, उनके द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहीं और से, और उन्होंने यहां पर इसे वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था। इस पर आवागमन उसके बाद आरंभ हुआ, वैसे आवागमन तो पहले से चल रहा था, औपचारिक उद्घाटन होने के बाद वर्ष 2021 में उद्घाटन हुआ है, अक्टूबर में। वर्ष 2023 से ठीक 2 साल बाद, NHAI के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये चीज बताई कि 2 साल के बाद यही हिस्सा, जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा 2023 में एक बार बैठ गया था बारिश के उपरांत। अर्थात 2021 में ये पूरा होने के बाद 2 साल भी ये सड़क नहीं चल पाई। तब 2023 में जब ये सड़क का हिस्सा बैठा, तब भी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन थे, पर उनके द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई गई। कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस हर मामले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लक्ष्य करके निशाना साध के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई है, पर स्थानीय मामलों में कांग्रेस भी मौन हो जाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आपके सामने गए, उनका कारवां 2 वाहनों का गया यहाँ से, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा पूरा बैठा हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल सिवनी से लगभग 32 किलोमीटर दूर पैंच नेशनल पार्क, जो भी यहाँ से रास्ता पैंच नेशनल पार्क के लिए जाता है, एक रास्ता यहाँ से कर्माजरी के लिए जाता है, एक रास्ता यहाँ से टूरिया के लिए जाता है। देशी विदेशी पर्यटक जो आते होंगे, देशी विदेशी पर्यटक जब यहाँ आते होंगे तो वे यहाँ किस तरह की छवि लेकर जाते होंगे, ये समझा जा सकता है। 12 सितंबर 2024 को ये पूरा का पूरा हिस्सा बैठ गया है, एक भी यहाँ पर NHAI का आपको कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा हो, और 125 मीटर का हिस्सा यहाँ बैठा हुआ है। पूरी सड़क में अगर आप मोहगांव से खवासा तक जाएंगे तो आपको पूरी सड़क में इस सीमेंट के ऊपर डामर पुता दिखेगा। कई जगहों पर डामर लगा दिया गया, वो डामर फिर निकल गया, और जगह जगह आपको ऐसी सर्पाकार गड्ढे भी दिखेंगे, दरारें, सर्पाकार दरारें भी दिखेंगी। दरअसल माफ कीजिए, NHAI के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि दरअसल होता ये है कि NHAI का प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD ऑफिस पहले सिवनी में था, बाद में नरसिंहपुर चला गया, राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते सिवनी वापस नहीं आ पाया, वर्तमान में छिंदवाड़ा में है, और छिंदवाड़ा में जो NHAI के अधिकारी बैठे हैं उन्हें फुर्सत नहीं है जमीन पर आकर काम देखने की, भी जमीन पर आकर काम कभी नहीं देखते, ये सूत्रों का कहना है। वे वहीं छिंदवाड़ा में ही बैठकर सारा आकलन कर लेते हैं। यहाँ हाईवे पेट्रोल जो चलती है, हाईवे पेट्रोलिंग की वाहन चलता है, उस हाईवे पेट्रोलिंग का वाहन का भी अता पता नहीं, कोई भी आदमी यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका सुधार कब होगा कहना मुश्किल है। और अगर यहाँ आपका कोई वाहन गिर जाता है, अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा प्राइवेट क्रेन से उसे उठाया जाता है, NHAI की क्रेन कहाँ होती है इस बारे में शायद ही कोई जानता हो, NHAI की एम्बुलेंस कहाँ कोई नहीं जानता।
लोगों का ये भी कहना है कि नितिन गडकरी तीसरी बार भूतल परिवहन मंत्री बने हैं और तीसरी बार उनके भूतल परिवहन मंत्री बनने पर तीसरी पारी, उनकी जो तीसरी पारी है उसका बहुत ढीला पोला काम चल रहा है। 100 मीटर की सड़क बैठी हुई, 2 दिन हुए बैठे हुए, अभी तक इसके सुधार की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं। और अगर आप ये देखेंगे जो सुरक्षा मानकों के हिसाब से ये जो स्ट्रिप लगनी चाहिए, ये स्ट्रिप सिर्फ यहाँ तक लगी है, उसके बाद सिर्फ स्टॉपर ही रखे हुए हैं और बोरियाँ रखी गई। कुल मिलाकर जो भी काम दिख रहा है वो काम ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जिसे काम चलाऊ या बला टालू काम कहा जा सकता है। 7-8 किलोमीटर आगे कुरई, लगभग 30 किलोमीटर पीछे सिवनी, और लगातार वाहनों की आवाजाही जारी है। रात के समय प्रकाश की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही कि रात के समय कोई प्रकाश हो यहाँ पर। अगर अब हम आपको इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त यहाँ अगर आप देखेंगे तो कर्व दिखाई देगा, एक आध वाहन आएगा। आप देखिए किस गति से वाहन आते हैं और आकर के यहाँ पर, वहाँ भी कोई संकेतक नहीं लगा है कि सड़क खराब है या सड़क टूटी हुई है, कहीं भी आपको संकेतक पीछे दिखाई नहीं दे पाएगा। और अभी हमारे पीछे ये जो चढ़ाई है, वाहन चढ़ रहे हैं, वाहन उतरते आपको अभी दिखाई देंगे। हम आपको यही बता रहे हैं, वर्तमान सांसद भारती पारधी, वे भी शायद ही इस तरफ कभी आई हों या आई होंगी या उन्होंने इस बारे में कोई पहल की हो, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई एक वाहन आए, हम आपको उस वाहन की गति बताएं कि गति कितनी होती है। दरअसल कोई बोर्ड अगर वहाँ लगा हुआ होता है, कोई संकेतक वहाँ लगा हुआ होता है, तो निश्चित तौर पर उस संकेतक के से वाहन थोड़ा गति धीमी कर लेते, पर कोई भी संकेतक इस दिशा में नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरफ भी आप, हमने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ हमारे पीछे इस तरफ जो नागपुर तरफ जाने वाले रास्ते में काफ़ी गड्ढा हो चुका है, ये अभी हमने आपको दिखाया। अब हम आपको उसी का हम एक इंतज़ार कर रहे हैं, एक आध वाहन आए और आप उसकी गति देख सकते हैं कि कितनी गति से इस तरफ, अगर हम आपको दिखाते हैं इस तरफ से, आप दिखाइएगा इस तरफ आकर, ऐसा दिखाइएगा कि इधर जब भी वाहन कोई आएगा हमारे पीछे तो हमें उस वाहन को मूलतः, ये देखिए एक वाहन शायद कोई आता हुआ दिख रहा है, उसकी गति आप देखिएगा, देखिए गति कितनी है। अगर रात के समय यहाँ कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए जवाबदेह कौन हो? आपको जो बता रहे थे आपने देखा होगा, देखिए ट्रक की गति आप देख सकते हैं किस गति से ट्रक चला रहा है, और उसकी गति यहाँ रात के समय अगर अनियंत्रित हो जाए तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रदेश में है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उसके बाद 960 करोड़ की बनी सड़क, आगे आगे पाठ पीछे सपाट की तर्ज पर दूसरी बार यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है, इसके लिए किसे जवाबदेह माना जाए, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 670वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम लिमटी की लालटेन लेकर फिर हाजिर होंगे, 671वां एपिसोड लेकर हाजिर होंगे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, जय हिंद।